हे गाइस, दिस इज सौरभ फ्रॉम टेकबैटल। तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पीसी बिल्ड सीरीज, जिसमें हम बात करने वाले हैं वीएफएक्स पीसी बिल्ड्स के। तो जनरली वीएफएक्स में दो कैटेगरीज होती है, एक होती है 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन और दूसरा होता है कंपोजिटिंग। तो अगर आप कंपोजिटिंग करते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा हमारा ये वीडियो देखने, जो कि है एडिटिंग पीसी बिल्ड का, क्योंकि जनरली कंपोजिटिंग के लिए लोग आफ्टर इफेक्ट्स यूज करते हैं। मैं यहाँ पे कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आफ्टर इफेक्ट्स जनरली यूज होता है कंपोजिटिंग में। वो पीसी बिल्ड में मैंने स्टार्ट किया था बजट 30K से, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप कंपोजिटिंग करते हो तो वो पीसी बिल्ड के 50K के या 50K के ऊपर वाले ही पीसी बिल्ड सिलेक्ट करें, क्योंकि वीएफएक्स में थोड़ा ज्यादा पावर लगता है। तो ये वीडियो जो होगा वो स्पेसिफिकली होगा 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन से रिलेटेड। तो जो मैं इस बिल्ड्स में जो कंसीडर करूंगा सॉफ्टवेयर, वो होगा सिनेमा 4D, ऑटोडेस्क माया और ब्लेंडर। ये तीन सॉफ्टवेयर काफ़ी पॉपुलर है और इन्हें ही ध्यान में रख के मैं ये पीसी बिल्ड सजेस्ट करूंगा। यहाँ जो मैं पीसी बिल्ड आपको रेकमेंड करूंगा वो प्राइस के हिसाब से नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे एक मिड लेवल पीसी बिल्ड रेकमेंड करूंगा, जहाँ पे आप सीरियसली वीएफएक्स कर सकते हो। तो अब आते हैं पीसी बिल्ड में जो आपको सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगा। तो इसमें जो हम सीपीयू यूज करेंगे वो होगा AMD Ryzen 5 3600X, जिसकी प्राइस है अराउंड 19,499 रुपीज। जो जीपीयू हम यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा सुपर NVIDIA RTX 2060। ये पीसी बिल्ड मैं आपको इसके लिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि जो RTX सीरीज है NVIDIA की, वो बेटर परफॉर्मेंस देती है रेंडरिंग में। तो इस जीपीयू का प्राइस है अराउंड 34,000 रुपीज़। तो अब आते हैं मदरबोर्ड पे। जो मदरबोर्ड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो MSI X570E Pro। इस मदरबोर्ड की प्राइस है अराउंड 16,100 रुपीज़। ये मदरबोर्ड थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ये मैंने इसके लिए लिया क्योंकि ये मदरबोर्ड अगर आप लेंगे तो आप फ्यूचर प्रूफ हो जाएंगे। और इस मदरबोर्ड की खासियत यह है क्योंकि अगर आपको और रेंडरिंग करना है, आपको थोड़ा और पावरफुल बनाना है अपने पीसी को, तो आप इसमें 2 GPU भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम अपग्रेड करना है तो आपको मदरबोर्ड और जीपीयू सब अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक जीपीयू लेके मदरबोर्ड में आप लगा सकते हो। तो जो हम रैम यूज़ करेंगे वो होगा कॉर्सेर का 16GB का 32 MHz वाला रैम, जो कि हम 2 स्टिक यूज़ करेंगे तो टोटल हो जाएगा 32GB। इसकी प्राइस आपको पड़ेगी अराउंड 18,698 रुपीज़। तो जो SSD मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो का वेस्टर्न डिजिटल का 480GB का SSD। वो आपके ऊपर है, अगर आपको ज़्यादा SSD चाहिए, आपको स्टोरेज ज़्यादा लगता है तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हो। और इसकी प्राइस अराउंड 5,600 रुपीज़। हार्ड ड्राइव में जो यहाँ पे लूँगा वो सीगेट या वेस्टर्न डिजिटल की 1TB की, जिसकी प्राइस है अराउंड 3,500 रुपीज़। स्टोरेज आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हो, अगर आपको फास्ट स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, आपका बजट सपोर्ट कर रहा है, तो आप SSD में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 1TB की SSD भी ले सकते हो। जो पावर सप्लाई मैं यहाँ पे यूज़ करने बोल रहा हूँ वो होगा 700 वाट का गीगाबाइट का पावर सप्लाई, जिसकी प्राइस है अराउंड 5,235 रुपीज़। तो जो मैं कैबिनेट बता रहा हूँ वो होगा एंटेक का NX310। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ क्योंकि आप अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से कैबिनेट सिलेक्ट कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैन वाले कैबिनेट रहेंगे तो ज़्यादा बेटर ही रहेगा, आपको फ्यूचर प्रूफ भी रहेंगे वो। बट मैं यहाँ पे बेसिक जो अभी अवेलेबल है वो मैंने आपको बता दिया जस्ट। तो ये जो बिल मैंने आपको बताया, इसकी ओवरऑल प्राइस हो जाएगी अराउंड 1,06,000 रुपीज़। तो मैं अब इस बिल्ड का एक अपग्रेड बताता हूँ जिसमें आप यहाँ पे 2 GPU यूज़ करोगे, जो कि आपको रेंडरिंग में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम एक्जैक्ट सेम पीसी बिल्ड करेंगे, बाकी जो अपग्रेड करेंगे वो होगा जीपीयू। तो जो NVIDIA RTX 2060 हम ले रहे थे वो हम 2 लेंगे। तो इस पीसी बिल्ड की जो प्राइस हो जाएगी वो होगी 1,40,000, बट ये रेंडरिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और 2 GPU के अपने फ़ायदे होते हैं। अगर आप एक पावरफुल GPU लेते हो और 2 उससे थोड़ा सा लो लेवल का GPU लेते हो, तो वो 2 GPU वाले ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। तो ये रहे अब तक के 2 बिल्ड। अभी एक मैं आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करता हूँ। तो जो सॉफ्टवेयर है जैसे सिनेमा 4D और माया, ये सॉफ्टवेयर मल्टीपल कोर अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते। ये सॉफ्टवेयर बेस होते हैं सिंगल कोर परफॉर्मेंस पे। तो ये सॉफ्टवेयर को बेनिफिट होगा अगर आपका सिंगल कोर परफॉर्मेंस बेटर है, जो कि जनरली इंटेल के प्रोसेसर में बेटर होते हैं। बट आप पूछोगे कि मैंने AMD क्यों रेकमेंड किया अगर मेरे को इंटेल में फ़ायदा है तो उसके 2 मेन रीज़न है। तो फर्स्ट पॉइंट है प्राइसिंग। तो जो इंटेल के प्रीमियम प्रोसेसर्स होते हैं वो होते हैं महंगे, और वो प्राइस पे जो परफॉर्मेंस देते हैं वो वर्थ नहीं होता है। और सेकंड रीज़न है अवेलेबिलिटी। तो करंटली इंटेल के 10th जनरेशन के CPU जो K वेरिएंट्स होते हैं वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको AMD रेकमेंड किया प्रीवियस बिल्ड में। बट मैं आपको यहाँ पे एक इंटेल का भी पीसी रेकमेंड करता हूँ। प्रॉबेबली इनका स्टॉक 2 to 3 मंथ्स में इंडिया में अवेलेबल हो, और आप अगर वही टाइम पे वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, आप इस पीसी बिल्ड्स के लिए जा सकते हो। तो इस बिल्ड में जो हम CPU यूज़ करेंगे वो होगा इंटेल i5-10600K, जो कि करंटली अभी इस वक्त इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और इसकी मेरे ओपिनियन में एस्टिमेटेड प्राइस होगी अराउंड 28 to 32K। तो हम यहाँ पे जो GPU यूज़ करेंगे वो होगा RTX 2060, जिसकी प्राइस होगी अराउंड 34,000 रुपीज़। जो मदरबोर्ड होगा वो होगा गीगाबाइट का Z490M, जो कि इंटेल के 10th जनरेशन को सपोर्ट देगा, जिसकी प्राइस है अराउंड 14,462 रुपीज़। तो जो रैम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होगा G-Skill का 32GB का रैम, जिसकी प्राइस है अराउंड 14,701 रुपीज़। इंटेल के प्रोसेसर CPU कूलर के साथ नहीं आते, इसके लिए हमको यहाँ पे CPU कूलर भी ऐड करना पड़ेगा, जो कि हम यूज़ करेंगे एंटेक का A40 Pro। जिसकी प्राइस है अराउंड 1600 रुपीज़। SSD हम वेस्टर्न डिजिटल वाली 480 GB की यूज़ करेंगे, वो आपके ऊपर रहेगा आपका जैसा SSD ज़्यादा अगर लगता है, ज़्यादा हाई स्पीड स्टोरेज चाहिए आपको तो आप SSD 1 TB तक का भी जा सकते हो। मैं यहाँ पे SSD और हार्ड डिस्क दोनों यूज़ किया है। हार्ड डिस्क मैंने जो बताया है इस बिल्ड में वो है Seagate या वेस्टर्न डिजिटल का 1 TB का, जिसकी प्राइस है अराउंड 3500 रुपीज़। तो जो पावर सप्लाई है वो हम लेंगे गीगाबाइट का 700 वाट का, जिसकी प्राइस है अराउंड 5235 रुपीज़। केस हम लेंगे Antec NX310 जिसकी प्राइस है अराउंड 3600 रुपीज़। ओके, तो अब तक मैंने जितने भी बिल्ड बताए, जो दो बिल्ड्स मैंने आपको ऊपर बताए, वो बिल्ड थे GPU रेंडरिंग के लिए। आप अगर 3D मॉडलिंग का रेंडर करना चाहते हो उस पर आपको दो ऑप्शन रहता है, आप CPU रेंडरिंग के लिए जा सकते हो या GPU रेंडरिंग के लिए जा सकते हो। CPU रेंडरिंग ऑफकोर्स CPU का पावर लेगा और GPU रेंडरिंग आपके ग्राफिक कार्ड पे डिपेंड करेगा। बट अगर आप सिनेमा 4D और माया के डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग फीचर्स यूज़ करोगे तो वो होते हैं CPU बेस्ड। तो ये जो बिल्ड होगा डिफ़ॉल्ट CPU बेस्ड रेंडरिंग के लिए होगा। और वन मोर थिंग, अगर आप ब्लेंडर यूज़ करते हो तो मैं आपको ये बिल्ड रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको जो प्रीवियसली बिल्ड जो मैंने बताया वो ब्लेंडर के लिए अच्छे हैं क्योंकि वो CPU और GPU को कंबाइंड यूज़ करता है। तो जो ये है वो एकदम CPU बेस्ड होगा। तो इसमें जो हम CPU यूज़ करेंगे वो होगा AMD Ryzen 9 3900X, जिसकी प्राइस होगी अराउंड 44,800 रुपीज़। GPU हम यहाँ पे एक नॉर्मल वाला यूज़ करेंगे जो कि होगा GTX 1080, जिसकी प्राइस है अराउंड 12,500 रुपीज़। तो जो मदरबोर्ड हम इसमें यूज़ करेंगे वो होगा MSI X570E Pro, जिसकी प्राइस है अराउंड 16,100 रुपीज़। रैम जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होगा 32 मेगाहर्ट्ज़ का Corsair का 32 GB का रैम, जिसकी प्राइस होगी अराउंड 18,698 रुपीज़। और यहाँ पे एक हम अच्छा वाला CPU कूलर यूज़ करेंगे क्योंकि CPU बेस्ट रेंडरिंग है और CPU भी काफ़ी पावरफुल है, तो इसके लिए अच्छा कूलिंग होना बहुत ज़रूरी है इस बिल्ड में, क्योंकि जब रेंडरिंग होता है तब हाई स्पीड पे बहुत टाइम तक CPU वर्क करता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट एमिट करता है। तो आपको एक अच्छा कूलर लेना इस बिल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं कूलर रेकमेंड कर रहा हूँ वो होगा डार्क रॉक प्रो, जिसकी प्राइस है अराउंड 8,123 रुपीज़। SSD हम यहाँ पे 480 GB वाली ही यूज़ करेंगे। हार्ड डिस्क हम यहाँ पे यूज़ करेंगे Seagate की 1 TB की। और जो पावर सप्लाई है वो होगा गीगाबाइट का 700 वाट का, जिसकी प्राइस है अराउंड 5235 रुपीज़। जो हम केस है वो Antec का ही रेकमेंड कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है केस, आप कोई बेटर केस भी यूज़ कर सकते हो। मैंने बस आपको एक बेसिक सा केस बता दिया। तो ये बिल की प्राइस हो जाती है टोटल 1,18,000 रुपीज़। तो आप सोच रहे होगे कि मैंने अभी तक जितने भी बिल बताए वो प्राइस सब 1 लाख के ऊपर ही है, तो अगर मैं प्राइस मेरा बजट है 70,000 50,000 तो क्या मैं PC बिल्ड नहीं कर सकता, मतलब मैं VFX नहीं सीख सकता? तो मैं आपको बता दूं ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने यहाँ सीरियस वर्क के लिए लिया जो कि आप डेडिकेटेड अगर आप VFX में हो तो आपको ये PC बिल्ड रेकमेंड किया है। तो अगर आप VFX सीखना चाहते हो, एकदम एंट्री और बिगिनर लेवल पे हो, तो आप लो बजट के PC बिल्ड्स पे भी जा सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा हमारे ये दोनों वीडियोज़ देखना है। तो अगर आप CPU बेस्ड रेंडरिंग करते हो तो हमारा ये एडिटिंग PC बिल्ड देखो, ये बिल्ड आपको काम ज़रूर आएगा। इसके जो 50,000 प्लस वाले बिल्ड हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको GPU बेस्ड रेंडरिंग करना है तो हमारा ये गेमिंग वाला PC बिल्ड ज़रूर देख लेना है। यहाँ पे आप अगर 50 के ऊपर जाओगे तो आप एंट्री लेवल VFX कर सकते हो। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आप VFX करना चाहते हो या फिर आप करते हो तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आप VFX के लिए नहीं, एडिटिंग और गेमिंग PC बिल्ड्स बनाना चाहते हो तो हमारा ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर देना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, आने वाले वीडियो में भी प्रोग्रामिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन और ऑफिस यूज़ जैसे PC बिल्ड्स मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त जाके सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।